पापा वांगा वो औरत थी जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि सुनामी आएगा। वो एक अंधी औरत थी जिन्होंने काफ़ी चीज़ें दुनिया के बारे में प्रेडिक्ट की थी। उनकी डेथ 1996 में हुई। उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि एक बहुत बड़ा सुनामी आएगा और उनके मरने के बाद जापान में एक बहुत बड़ा सुनामी आया जिसने बहुत तबाही मचाई। इसके अलावा उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि बराक ओबामा US के प्रेसिडेंट बनेंगे। उन्होंने ISIS एक टेररिस्ट ग्रुप के बारे में भी प्रेडिक्ट किया था। दुनिया का मानना है कि उनकी 85% प्रेडिक्शंस सच हुई हैं। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आपको ये पता है कि फेसबुक को उन्हीं ने सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था। जब इंटरनेट इतना आम नहीं था तब उन्होंने कुछ बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन की थी। उन्होंने बताया कि प्राइवेट वेबसाइट फैमिली और फ्रेंड्स के लिए कॉमन हो जाएगी, जिसमें वो एक दूसरे के साथ फोटो शेयर कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ चैट कर सकेंगे और इसके साथ साथ ही वो इवेंट्स प्लान कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इंटरनेट पर ऐसे एड्स आएंगी जो उस इंसान के इंटरेस्ट के मुताबिक होगी। टीवी पर रैंडम एड्स आती हैं और वो सारी आपको इंटरेस्ट नहीं करती, लेकिन इंटरनेट पर जो एड्स आएंगी वो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक ही आएंगी। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि लोग इंटरनेट के जरिए अपने लिए जॉब्स ढूंढ सकेंगे, वो इंटरनेट पर अपना डाटा डालेंगे और उनको उनके इंटरेस्ट के मुताबिक ही जॉब मिलेगी। बिल गेट्स ने जो भी प्रेडिक्ट किया आज वो हम सब देख सकते हैं। वो आज भी दुनिया के ग्रेट टेक्निकल थिंकर में से एक हैं और दुनिया के एक विजनरी इंसान हैं। निकोला टेस्ला ने प्रेडिक्ट किया स्मार्टफोन्स के बारे में। टेस्ला ने 1926 में ये प्रेडिक्ट किया कि लोगों को कांटेक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा, आप सिर्फ एक टच से दूसरे लोगों के साथ रब्ता कर सकेंगे। उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि आप चाहे दुनिया में कहीं पर भी बैठे हो आप किसी के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं और ये कम्युनिकेशन बिल्कुल वायरलेस होगी। आप दूसरे का चेहरा भी देख सकेंगे और दूसरे के साथ बात भी कर सकेंगे। ये एक ऐसी डिवाइस होगी जिसको आप अपने हाथ में भी उठा सकेंगे और कहीं भी ले जा सकेंगे। किसको पता था कि ये आदमी 100 साल पहले ही स्मार्टफोन को प्रेडिक्ट कर रहा है। इन्होंने सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी प्रेडिक्ट किया। उन्होंने बताया कि सड़कों पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और लोगों को पार्किंग के मसले मसाइल आएंगे। उन्होंने उस टाइम पर फ्लाइंग कार्स का आइडिया भी दिया। आर्थर सी क्लार्क ने प्रेडिक्ट किया एक ऐसी डिवाइस के बारे में जिसे हम आजकल आईपैड बोलते हैं। 2001 में आर्थर ने इमेजिन किया कि इस एस्ट्रोनॉट स्पेस में अर्थ की न्यूज़ एक न्यूज़ पैड पर पढ़ रहे हों। वो इस डिवाइस को टच करता और इसके इंटरेस्ट की हेडलाइंस और न्यूज़ उसके सामने आ जाती। इन्होंने 1968 में एक फिल्म अ स्पेस ऑडिसी 2001 में इस डिवाइस को शो किया। इस मूवी में ये डिवाइस बिल्कुल एक आईपैड की तरह काम करती थी। 2010 में आईपैड के लॉन्च से पहले ही आर्थर 1968 में इस डिवाइस को इमेजिन कर चुके थे। क्लार्क ने 1968 की इस मूवी में 2001 के टाइम को इमेजिन किया था। ये डिवाइस आईपैड के साथ इतनी सिमिलर थी कि जब 2010 में एप्पल ने सैमसंग के ऊपर केस किया कि उनका टैबलेट का आइडिया सैमसंग ने चुराया है, तब सैमसंग ने कहा कि आईपैड का आइडिया एप्पल ने भी क्लार्क से चोरी किया है। सैमसंग ने कहा कि क्लार्क ये आइडिया 1968 में पहले दे चुका है। जॉन विटकिंस ने इंटरनेट पर लाइव वीडियो देखने के बारे में प्रेडिक्ट किया। उन्होंने 1900s में एक आर्टिकल लिखा कि दुनिया में 100 साल बाद क्या क्या होगा। उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि दुनिया में हम सारी चीज़ें देख सकते हैं एक फ्रेम के ऊपर जो किसी इलेक्ट्रिक चीज से कनेक्टेड होगी, जो कि हम लोग वीडियो की शक्ल में देखते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर। उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया कि वायरलेस टेलीफोन और टेलीग्राम पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। एक इंसान दुनिया के एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने में दूसरे इंसान के साथ बात कर सकेगा। हम अमेरिका से चाइना, चाइना से इंडिया, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, दुनिया में हर बात कर सकेंगे। और इनकी जो भी प्रेडिक्शंस थी आज हम अपने सामने देख रहे हैं टेलीफोन की शक्ल में। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी इस वीडियो को देख सकें। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए।